Hi, I'm Kriti Nini. I'm from Western Orissa. So today is very special day because today is Nuwakhai festival in Western Orissa. So my all viewers, subscriber, Nuwakhai Juhar. ये बनाना हमें दहेज में मिला है, इसका वीडियो मैं नेक्स्ट कल डालूंगी, आप जरूर देखना। ये कॉमेडी है। अभी जा रहे हैं किचन में, मैं आज सब्जी बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ पम्पकिन की सब्जी। तो अभी मैं गैस पे कढ़ाई डाल दी हूँ। ये रहा मेरा प्याज, कट गया है अभी, और टमाटो भी काट ली हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च इन्हें मैंने काट लिया है अच्छे से धो के। फिर मैं अभी सब्जी काट दी हूँ, ये बड़ा बड़ा पीसेस में पम्पकिन, आलू और ब्रिंजल, क्योंकि पकने के बाद वो सॉफ्ट होके घुल ना जाए, इसके लिए मैंने बड़ा बड़ा पीसेस काटे हैं। तो अभी जाएंगे कढ़ाई में, मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया, उसमें थोड़ा डालूंगी मैं जीरा। जीरा थोड़ा चढ़कने के बाद प्याज डालूंगी, लेकिन जीरा को अच्छी तरह से चढ़कने से वो फ्लेवर अच्छा आता है, तो इसके लिए मैंने जीरा चढ़कने के लिए थोड़ा 15 सेकेंड ज़्यादा लिया। और उसके बाद डाल दूंगी इसमें प्याज। प्याज को पूरा अच्छी तरह से थोड़ा पकने दीजिए गोल्डन कलर तक, क्योंकि प्याज अगर पक जाएगा तो मसाला भूनने के लिए इजी होता है। तो ये रहा मेरा प्याज, अभी भून रहा है और इसको ब्राउन कलर करके मैं डालूंगी दूसरा मसाला। तो अभी डाल दी मैं ग्रीन चिली, चिली पाउडर और गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी थोड़ा मैं उसको अच्छी तरह से ऑयल में ही भून लूँगी, क्योंकि ऑयल में थोड़ा भून लेने से मसाला में अगर पानी डालने के बाद कच्चापन पता नहीं चलता है, क्योंकि ऑयल में कुछ समय के लिए भूनने से वो भून जाता है। तो अभी मैं डालूँगी पानी, थोड़ा सा पानी, क्योंकि मसाला थोड़ा अच्छा से पकने के लिए, सॉफ्ट होने के लिए हम थोड़ा पानी दे के उसको लो फ्लेम में 1 मिनट तक चलाएँगे, और उस पानी मरने तक ही हम पानी को पूरा ड्राई कर लेंगे। तो ये रहा पानी ड्राई हो गया, अभी मैं उसको और 1 मिनट भूनने के बाद उसमें डालूंगी सब्जी जो मैं काट के रखी थी। मेरा मैंने आलू डाल दिया, अभी सारा सब्जी इसमें डाल दूंगी, क्योंकि हम सब्जी को भी थोड़ा इस मसाला में भूनना है। सब्जी सारे मसाले में डाल के इसको अच्छी तरह से 2 मिनट तक पकाएंगे। बैंगन को डालने से आप हाई फ्लेम में रखिए, क्योंकि बैंगन पकता नहीं और हार्ड हो जाता है अगर लो फ्लेम में रखते हैं। तो इसके लिए बैंगन को डालने के बाद ये रहा मैंने हल्दी डाल दिया और नमक भी डाल दिया, इसको डाल के फिर मेरे को चलाना है। बैगन को अगर हम हाई फ्लेम में नहीं रखते हैं तो बैगन हार्ड हो जाता है और ब्लैक भी दिखता है। ये तो ब्लैक बैगन है, तो ये ऐसे भी पकने के बाद थोड़ा काला दिखता है, लेकिन कभी भी आप बैगन में बनाइए तो उसको हाई फ्लेम में बनाइए 1-2 सेकंड के लिए, फिर आप लो में डाल सकते हैं। अभी मैं डाल रही हूँ हाई फ्लेम में 2 मिनट्स के लिए। तो 2 मिनट्स के बाद फिर मैं उसको ढक्कन निकाल के एक बार फिर चला लेती हूँ, क्योंकि नीचे का ऊपर आ जाए। देखिए तो थोड़ा लगभग पक गया है, हाई फ्लेम में मैंने दिया था, देखिए जैसे दिख रहे हैं। अभी तक भी मेरा बैगन कुछ तक गर्म नहीं हुआ है, इसके लिए मुझे फिर हाई फ्लेम में और 1 मिनट के लिए रखना है।
अब फिर मैं 2 मिनट के लिए उसको छोड़ देती हूँ हाई फ्लेम में। 1 मिनट छोड़ने वाली थी बट थोड़ा कच्चा है, इसके लिए मैं और 2 मिनट हाई फ्लेम में दे दी। अब देखिए बैंगन थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अभी डाल रही हूँ उसमें टमाटो, क्योंकि टमाटो मैं बाद में डालती हूँ इस सब्ज़ी में, क्योंकि टमाटो अगर जल्दी से पहले डाल देंगे तो सब्ज़ी थोड़ा पकने के लिए लेट होता है खटास की वजह से, इसके लिए मैं टमाटो बाद में डालती हूँ। और इसको मैं फिर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में रख दूँगी, क्योंकि टमाटो और बाकी सारा अच्छा से पक जाए। तो ये टमाटो थोड़ा चिपक गया है, खुल नहीं रहा है, तो छोड़ देते हैं, वैसे ही हो जाएगा। अभी गर्म है, हम हाथ नहीं दे सकते। अभी मैं इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में ढककर रख देती हूँ पकने के लिए। सो ये रहा, ये रेडी हो गया, सारा चीज़ स्मूथ हो गया है। इसके बाद हम धनिया का पत्ता थोड़ा डाल देते हैं। अगर आप नारियल का ग्रेटिंग नारियल डालना चाहते हैं तो अभी डाल के रख सकते हैं, या बाद में ऊपर से भी आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शन है। नहीं डालने से भी चलता है, लेकिन मुझे पसंद है इसमें नारियल डालना। अब हो गया मेरा सब्ज़ी, आइए टेस्ट करिए कैसा है।